आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम एक और बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट की बात करेंगे जिसका नाम है नोआखोली जेनोसाइड, या इसको नोआखोली रायट्स दंगे के नाम से भी जाना जाता है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों को ब्यूरोक्रेट बनना है, गुंडा नहीं बनना है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखिए, उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी इसलिए बताना ज़रूरी है, टीचर का काम है सारी चीज़ें बताना, ठीक है। अभी सब कुछ बहुत अच्छा है, हमको गर्व होना चाहिए। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन, मतलब अगर टोटल देखें तो 18 करोड़ है, भारत में भी 17 करोड़ है, 172 मिलियन है सेंसस के हिसाब से, अभी ज़्यादा हो गई होगी। गर्व होना चाहिए कि सब लोग पीसफुली रहते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सब खुश हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, पीसफुल है, अमन चैन है, ठीक है। हर जगह ऐसा नहीं है, चाइना में, जिंजियान में क्या हो रहा है यूइगुर मुस्लिम के साथ, पूरी दुनिया चुप है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करिए, ठीक है। इररिलेवेंट कमेंट्स, फालतू के कमेंट्स, अब्यूजिव कमेंट्स, कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी हो, वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर जस्ट कीप एन आई ऑन देम, क्योंकि हम लोग हर कमेंट जो है वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं वक्त की कमी की वजह से। कोई भी ऐसा रिलेवेंट कमेंट हो आप तुरंत मुझे बताएंगे, उसको ब्लॉक किया जाएगा और कभी भी वो उसके बाद वीडियो, चाहे वो कोई भी हो, नहीं देख पाएगा। तो थोड़ा सा शांति रखिए, लेक्चर को एंजॉय कीजिए, एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से पढ़िए, क्योंकि ये चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है जब पूछी जाएंगी, ये सारी चीजें आती है, हिस्ट्री है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी आपसे नफरत, गुंडागर्दी, गुस्से, मारपीट, वॉयलेंस, इन सब की बात करें ना, उल्टे पांव दौड़ लगा लो, और जो भी अमन चैन प्यार की बातें करें उनको अपनाइए, तभी एक अच्छा पर्सपेक्टिव, ह्यूमैनिटी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इन सब का अंत है ना बहुत खराब होता है। कर्म जो है ना वो याद रखिएगा, आज नहीं तो कल आपको काटेंगे ही, जो यहां पे हुआ बात ये कंट्रीज पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2-3 कमेंट मैंने देखे थे उनको ब्लॉक किया गया है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा आराम से, अच्छे से और एक नॉलेज पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। sid_econnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आपको मेरी लेक्चर की PDF अपडेट्स सारी चीजें मिल जाएंगी। और आप यहां मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेक्चर चाहिए, मुझे भी इससे मतलब क्या कहते हैं कि अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमने पेन ड्राइव कोर्स जो है सारे एग्जाम्स के लिए बनाए हैं। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इनको अवेल कीजिए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए भैया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाइए। आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, पता है क्या बोला जाता है, और ये काफी हद तक सच भी है, कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जब आएगी ना तो आसानी से पीस आता है। बिल्कुल सही बात है, जब इंसान इकोनॉमी डेवलप होगा, जब व्यापार बढ़ेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा, इंसान बिजी रहता है तो ये सारी चीजें दिमाग में ही नहीं आएगी, है कि नहीं। ये सब चीजें क्यों हुई थी, क्योंकि उस समय इकोनॉमिकली इतना कोई डेवलप था नहीं, लिटरेसी थी नहीं, व्यापार इतने ज्यादा थे नहीं, डेवलपमेंट ना होने की वजह से खाली दिमाग शैतान का, हर किसी ने उस दिमाग में सांप्रदायिक हिंसा भर दी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, जब भी आप अपने आप को बिजी रखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे तो आसानी से क्या कहते हैं कि आपका दिमाग जो है वो गलत जगह पे नहीं जाएगा। बैकग्राउंड देख लेते हैं एक बार और, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी डायरेक्ट एक्शन डे की, जो ग्रेट कैलकटा किलिंग्स हुई थी, उसके बाद पूरे दंगे जो हैं सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे। दोस्तों, नोआखोली रायट जो है वो इसका आफ्टरमैथ है, इसके बाद क्या हुआ। नोआखोली की अगर बात करें, ये बेसिकली इस समय बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में वहां की साउथ ईस्टर्न सिटी है और ये चिटगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। भलुआ इसका पहला नाम था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कब ये एस्टैब्लिश हुआ था। तो बंगाल में है, पार्टीशन ऑफ बंगाल याद आ रहा है 1905 में। देखिए, सब कुछ अंग्रेजों का किया धरा है, हर कोई इतने प्यार से रहता था और सब वो बिगाड़ के चले गए। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम पूरा डिविजन हो गया, और फाइनली फिर साथ में आते हैं मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1916 में, भैया अगस्त लखनऊ पैक्ट साइन करना है, क्योंकि साथ में आते हैं अंग्रेजों से, साथ में लड़ना है। गांधी जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। 1917 में फिर अगस्त डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। 1935 आते आते चीजें थोड़ी
गड़बड़ होने लगती हैं। 1935, 36, 37, 38, 39, 40 हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि 1935 में क्या होता है, 1935 में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है, आपके पास पावर है, अब भारत को, भारत के पास पावर हो जाती है, भारत इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस चुन के आती है। यहां पे क्या होता है दोस्तों, अलग पाकिस्तान की मांग उठने लगती है। अब दोस्तों जो मुस्लिम लीग, देखिए 1905 में जब मुस्लिम लीग आई थी तो सबसे पहले ये क्या थे, हमको मुस्लिमों के हक के लिए लड़ना है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको लिटरेट करना है, इनके राइट्स के लिए लड़ना है, इनको अपलिफ्ट करना है। लेकिन बाद में इसके मुद्दे ही अलग हो गए, इन्होंने बोला हमको तो अलग पाकिस्तान चाहिए, और इसी पे सारी जंग हो गई। ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है, वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है, फिर वही कहानी, बार बार ब्रिटिश इंडिया को चलो वॉर में आओ, गांधी जी नहीं आएंगे। क्रिप्स मिशन आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। क्रिप्स मिशन बेसिकली क्या होता है, देखिए तुरंत ही भारत सरकार को पावर दो, क्योंकि यहां पे वैसे ही वर्ल्ड वॉर टू में बहुत बुरी हालत होती है, हिटलर ने बैंड बजा दी होती है, हिटलर का मेरा एक अलग से सेशन है। ठीक है, तो क्या है कि यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहती है कि पावर तुरंत ट्रांसफर हो, क्रिप्स मिशन भेजते हैं। क्रिप्स मिशन में क्या होता है, हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस मतलब हमारा डोमिनेशन होगा और तुमको हम सरकार देंगे, तुरंत ही रिजेक्ट हो जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलती है नहीं हमको नहीं चाहिए। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता है, और फाइनली जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है, सरकार का चेंज होता है, लेबर गवर्नमेंट, क्लेमेंट एटली जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब वो कैबिनेट मिशन प्लान भेजते हैं, तीन लोग होते हैं उसमें, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स। वो क्या करते हैं, ठीक है हम आपको बिल्कुल सारी चीजें देंगे, यहां पे वो एक एक प्रपोजल लेके आते हैं। ठीक है, इनिशियल प्लान 16 मई 1946 में बताते हैं कि यहां पे क्या है कि देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि सेंटर को कम पावर होती है और स्टेट्स को ज्यादा पावर होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सरासर नकार देती है, मैंने डायरेक्ट एक्शन डे के लेक्चर में बताया, आप उसमें देख लीजिएगा कि इसमें काफी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में डिवाइड करते हैं, पार्ट बी पार्ट सी मुस्लिम मेजोरिटी होता है, पार्ट ए हिंदू मेजोरिटी होता है, उसके बाद वोटिंग करो, उसके बाद फिर राइट टू सेसेशन, मतलब स्टेट जो है, जो प्रिंसली स्टेट है वो भारत से सेसीड हो सकती है, इस तक का प्रोविजन होता है। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना तो तुरंत बोलते हैं कि हाँ नहीं नहीं ठीक है हम तो एक्सेप्ट करेंगे, उनको तो यही चाहिए था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू नहीं, बिल्कुल नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हमको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद चीजें आगे बढ़ती है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में, और यहां से ये पता लग जाता है कि चीजें अब संभलने वाले नहीं है। अगले दो साल में जो जेनोसाइड, जो हत्याकांड, पार्टीशन ऑफ इंडिया पे भी मेरा एक लेक्चर आप देखिएगा शुरू होता है, वो फिर रुकता नहीं है, ये पता लग जाता है। डेडलॉक रिजॉल्व करना है, कॉम्प्रोमाइज कराना है, दोनों पार्टी मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय दो ही पार्टी होती, दोनों को वापस बुलाया जाता है, फिर से वापस चीजों को सही किया जाता है, और इस समय इस 16 जून 1946 में बोला जाता है कि हम आपको पाकिस्तान देंगे। यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये बोलते बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, और हम इस डिवीजन को नहीं मानेंगे। भैया गांधी जी ने तो बोले ही था कि मेरे लाश के ऊपर होगा बंटवारा, हम इस बंटवारे को नहीं मानते। यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत मूड खराब होता है। एक चीज और होती है कि जब पहली बार सरकार बनाने को कॉन्स्टिट्यूएंट, देखिए सरकार वही बनाएगा जो जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, तो लॉर्ड वेवल और जो उस समय क्लेमेंट एटली, ये सब ये सोचते हैं कि पहले किसको मौका दे, तो लॉर्ड वेवल किसको बुलाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है साथ में मिलकर सरकार बना लो। मोहम्मद अली जिन्ना सरे से नकार देते हैं कि हम साथ में मिलकर तो कतई नहीं बनाएंगे, हम अलग सरकार बना सकते हैं। अब मुस्लिम लीग इतनी छोटी पार्टी, वो अलग सरकार कहां से बनाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जन जन की पार्टी होती है, मुस्लिम हिंदू दोनों का सपोर्ट होता है, तभी तो वो जीतती है, तो वही बनाती है पार्टी। मोहम्मद अली जिन्ना मूड खराब हो जाता है, हटाओ सब कुछ, डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दो, सीधा अनाउंस करते हैं 16 अगस्त, डायरेक्ट एक्शन डे। अगले 72 घंटे तक जो हत्याकांड चलता है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, इसका आफ्टर में मैथ है नोआखली। अब क्या होता है कि चीजें बद से बदतर होनी शुरू हो जाती हैं, धीमे धीमे ये सांप्रदायिक हिंसा जो है ये पूरे देश में फैलने लगती है। मुस्लिम मारे जाते हैं, हिंदू मारे जाते हैं, दोनों ही तबका एक दूसरे को मारने में लग जाता है। लेकिन जो सबसे बुरी हालत हुई वो नोआखली रीजन की हुई थी। दोस्तों क्या हुआ था कि इसकी जो बीज था ये डायरेक्ट एक्शन डे से ही लग गया था।
29 अगस्त ईद उल फितर 1946, वहां पे ही काफी र्यूमर्स हो जाती है कि हिंदू जो है वो हथियार लेके आ रहे, तो उस समय भी काफी हत्याकांड वहां पे चालू हो जाते हैं। वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होता है। इस समय अगर नोआखली रीजन की बात करें तो 95% वहां पे मुस्लिम लोग हैं, 4% हिंदू है। तो आप समझ ही गए होंगे कि काफी ज्यादा उस समय तक मतलब खदेड़ दिया गया था वहां पे सबको, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और है दोस्तों, काफी मुस्लिमों ने जो मॉडरेट मुस्लिम थे उन्होंने बचाने की कोशिश की हिंदुओं को भी। इसमें एक लैंडलॉर्ड एकदम मतलब मरने ही वाले थे वो, तो उनको वहां से भगाने में मुस्लिम परिवारों ने मदद की। जो मॉडरेट मुस्लिम थे उसने उन्होंने मदद की, लेकिन एक टाइम पे वो भी बेबस थे। मुस्लिमों को भी मारा जाता था अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाते थे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब क्या है कि अगस्त 1946 जैसे ही डायरेक्ट एक्शन डे होता है, ये जो दंगे हैं, ये जो हिंसा है, ये पूरे देश में फैलनी शुरू हो जाती है। ये पहला बात। दूसरी चीज क्या है इसकी, गुलाम सरवर 1937 में जीत के आते हैं इलेक्शन बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से। इनका सबसे बड़ा हाथ होता है मुस्लिम लीग के सदस्य, कट्टर मुस्लिम, और ये बहुत भड़काऊ प्रोवोकेटिव स्पीचेस देते हैं। अब इनको मौका मिल जाता है 1946 में। दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये जो अब क्योंकि सिंस जमाना बदल रहा है और काफी ज्यादा एक तरह से इंटेलेक्चुअलिज्म आ चुका है, अब तो काफी ज्यादा पढ़ने के सोर्सेज हैं। हमेशा अपनी सोच को ऐसा बनाइए ताकि एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स या एक बहुत ही अच्छी ह्यूमैनिटी एडवोकेशन हो। पॉलिटिकल पार्टी इन चीजों का बहुत अच्छे से फायदा उठाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा उनको मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है, और इसके तुरंत अंजाम तो आपको पता नहीं चलेंगे इस हिंसा के, ये बाद में पता चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना, जैसा करोगे वैसा, ये साइंटिफिक रीजन है, आप जिसके साथ जैसा करेंगे वैसा ही आपको होगा, ये देशों तक पे लागू होता है। तो क्या है कि ये जो रायट्स थे, ये दंगे थे, वहां पे अक्टूबर से शुरू होते हैं। दुर्गा पूजा, उस समय नवरात्रि होते हैं, दुर्गा पूजा होती है। राजेंद्र राय चौधरी जो समय नोआखली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होते हैं, इसमें बेसिकली हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन था, पूरी तरह से मारा गया था उन्हें, उनके घर को अटैक किया जाता है। बहुत एक रिस्पेक्टेड इंसान होते हैं, उनके घर को अटैक किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी फैमिली को मार दिया जाता है। उसके बाद ये हिंसा और बढ़ती है धीमे 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 करके, हर किसी को, सारे जो भी हिंदू दिखता है उनको मारा जाता है। अब इसमें कुछ मुस्लिमों ने जिन्होंने रिफ्यूज दी थी उनको भी मारा जाता है, वो भी नप जाते हैं, ठीक है। सीधा सीधा ये आदेश होता है कि मार दो। डायरेक्ट एक्शन डे में क्या था, डायरेक्ट एक्शन डे में आपने देखा था कि सोहरावर्दी जो समय चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जिनको कह ले, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक दिन के लिए छुट्टी दे दी थी पुलिस वालों को। फ्रेडरिक बरोज जो गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने भी साथ दिया था, लॉर्ड वेवर का सीधा सीधा आदेश था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस समय मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इतनी ज्यादा टेलीवाइज्ड चीजें तो थी नहीं, तो पता भी नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में कंडीशन क्या है। दो दो तीन तीन दिन बाद पता चलती थी, पेपर से ये पब्लिश होता था, पेपर से ये रिपोर्ट होती थी सारी चीजें। तो जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर जाता जाता है, ये हिंसा जो है ना बहुत बुरी तरीके से बढ़ती जाती है। अब इसमें दोस्तों सारी चीजें हुई, मैं इसमें डीपली नहीं जाऊंगा। इसमें फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ, इस्लाम में कन्वर्जन हुआ, इसमें काफी तरीके से मारा गया, काटा गया, ठीक है। और बहुत, अब इसके बाद और वॉयलेंस पूरे देश में फैली, बिहार के प्रांतों में फैली, फिर मुस्लिमों पर अटैक हुआ, ठीक है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे सारे हिंदुओं को खदेड़ने में ये कामयाब हो गए, और मारने में जो भी, इसमें काफी फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है, उनको भी मारा गया, जो भी मिला उनको मार दिया गया। मॉब आती थी, बड़े बड़े मॉब आते थे, ग्रुप में आते थे मार के चले जाते थे, और कोई कुछ भी नहीं करता था, कोई भी कुछ नहीं करता था, ऐसी हालत हो गई थी। घरों को जलाया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, लोगों को काट दिया जाता था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। आप देखिएगा और आप पिक्स और इस स्टोरी को भी थोड़ा सा सर्च करिएगा, मैं इतना तो इसमें डीप पे नहीं जाऊंगा। तो ये चीज है। अब यहां पे महात्मा गांधी का क्या रोल है, महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये सारी चीजें पता चली। महात्मा गांधी उसके बाद फिर नोआखली गए, वहां पे प्रेयर मीटिंग्स हुई, काफी टाइम तक वो रहे थे बेसिकली, ठीक है। उनको जब ये पता चला तो 6 नवंबर को फिर वहां से गए थे और काफी टाइम तक रहे थे, मार्च तक रहे थे। लेकिन यहां पे इनके लिए इतना कामयाब आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था दोस्तों, इसलिए आसान नहीं था क्योंकि एक तो सिचुएशन बिल्कुल मुस्लिमों के साथ है, हर कोई वहां पे सपोर्ट कर रहा है कि अलग पाकिस्तान हो। बाद में बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान ने पूरी इसकी कीमत चुकाई। जैसा कि मैंने बताया ना, कर्म जो है वो हर सिचुएशन, याद रखिएगा, जो भी आप सिचुएशन
जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं ना वो सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो फर्क है वो आगे पड़ता है, पूरी लाइफ इसे डिसाइड हो जाती है। तो यहां पे मोहनदास करमचंद गांधी जब उन्होंने टूर किया, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने प्रेयर मीटिंग्स बुलाई, 47 विलेजेस का पूरा दौरा किया, प्रेयर मीटिंग्स बुलाई, लेकिन वहां पे हिंदू तो आते थे, मुस्लिम नहीं आते थे। मुस्लिम लीग के लीडर्स कहते थे महात्मा गांधी से कि आप भगवान के लिए लौट जाइए, आपकी वजह से। देखिए महात्मा गांधी एक बहुत ही नरम दिल के, बहुत इनका क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन मेरे हिसाब से गांधी जी को बहुत ज्यादा गलती सबसे होती है, ये भी मैं बताना चाहता हूं, पढ़िएगा तो क्या है कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। अब वहां पे मुस्लिम लीग का ये भी आरोप होता है कि गांधी जी के आने से और ज्यादा चीजें बिगड़ गई, और ज्यादा गांधी जी जब आए थे तब भी हिंसा, यहां पे हिंसा बहुत ही खतरनाक रूप में है दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूं, बहुत बुरी तरह यहां पे मारा गया था हिंदुओं को, बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में है ये, ठीक है। तो जब महात्मा गांधी आते हैं तो प्रेयर मीटिंग्स बुलाते हैं, चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग सीधा बोल देती है कि भैया आप यहां से निकल जाओ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप मत रहो, हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको मुस्लिम मेजोरिटी देश चाहिए, आप निकल जाओ। महात्मा गांधी को भी यह समझ में आने लगा रहता है कि यहां पे चीजें अब बदल नहीं सकती, वो पूरा नंगे पैर सब दौरा करते हैं। मुस्लिम क्या करते हैं, उनके रास्तों में कांटे फेंक देते हैं, हड्डियां फेंक देते हैं, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और काफी बुरी तरह गांधी जी को भी, मतलब एक तरह से इंसल्ट किया जाता है, तो गांधी जी को भी ये समझ में आ गया होता है कि चीजें अब बदलने वाली नहीं है। दूसरी चीज, रिलीफ ऑपरेशंस भी, जब चीजों को पता चलती है तो रिलीफ ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, हिंदू महासभा, ये सब लोग रिलीफ ऑपरेशन चलाते हैं कि वहां पे जितने भी लोग हैं उनको कम से कम चीजें, मतलब जो भी जो सफर्ड फैमिली है उनको हम चीजें प्रोवाइड कर सके। माइग्रेशन शुरू हो जाता है, सबसे देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, जब भी ऐसा अटैक होता है माइग्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, गांधी जी चीजों को सही करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, और उसके बाद फिर एंड ऑफ फरवरी आते आते 1947 मार्च आते आते वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। गांधी जी, आपको पता ही है कि गांधी जी कभी भी इन सारी चीजों का हिस्सा नहीं था, सरकार का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से भी मुलाकात की, उन्होंने हर जगह, आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना के वो दादा भाई नेहरू जी को बहुत मानते हैं, और गांधी जी भी पॉलिटिकल गुरु थे भाई, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, तो इन दोनों को बहुत मानते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि मैं एक भारतीय हूं और आखिरी दम तक मैं भारत के लिए काम करूंगा, और आप देख सकते हैं ना कि सोच कैसे बदलती है एक टाइम पे। तो ये चीज है, उसकी कीमत देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि भारत में आज हर कम्युनिटी बहुत अच्छे से रहती है, ये गर्व की बात है हमारे लिए, हर जगह ऐसा नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में सोशल ग्रुप्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहां पे बहुत सारे मुस्लिम अंदर ही, वो जितने भी इंटेलेक्चुअल मुस्लिम है वो बहुत ज्यादा, जो भी ऑपरेशंस होता है वहां पे, ठीक है, वो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिसीजन जो है ना वो आपको सालों तक हॉन्ट करेंगे। तो महात्मा गांधी फिर वापस लौट जाते हैं, एक बार उनसे पूछा भी जाता है कि आप वापस लौट गए कुछ करिए, एक लेटर मिलता है कि यहाँ पे हम लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, कुछ करिए। तो वो बोलते हैं कि आप, तुम्हारे पास एक ही चारा है, बस उसको छोड़ दो, बंटवारा होने वाला है, होगा, मतलब उसको छोड़ दो, तुम रहने दो, ठीक है। तो ये भी चीज है। अब क्या है कि फिर उसके बाद, जैसा कि मैंने बताया कि मुस्लिम लीग के रीडर्स जो है वो काफी इनको अर्ज करते हैं कि आप प्लीज वापस आ जाइए, तो फिर गांधी जी जो है वो फिर छोड़ के आ जाते हैं नोआखली। और उसके बाद फिर ये जो मसाकर्स हैं ये बेसिकली तब तक चलते हैं जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता है। पार्टीशन में भी, पार्टीशन ऑफ इंडिया में तो कह रहे, तो किसी से बात छुपी नहीं है, हिंदुओं और मुस्लिमों को कितना मारा गया, जो एक समय दोस्त थे वो एकदम से एक रात में ही दुश्मन हो गए। अब इसमें ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी गलती है, ये सारी हिंसा को रोका जा सकता था दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब हिंसा को रोका जा सकता था, लेकिन कहने का वही है ना कि पॉलिटिकल मोटिव के चक्कर में किसी ने कुछ किया ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जब ये चीजें हुई थी 1947 आते आते तक नोआखली में सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, कोई भी हिंदू मिलता था तो उन पर अटैक किया जाता था। तो धीमे 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 ये जो स्लॉटर था, ये मास स्लॉटर जो हुआ था, ये धीमे धीमे और बढ़ता गया, और उसके बाद 1950 के बाद ही सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हुई, ठीक है। फिर उसके बाद 1947 15 अगस्त भारत को आजादी मिली, दो देश बन गए, पाकिस्तान और इंडिया। इतने सालों से वो देश, वो भारत का एरिया जो सेंटर रहा था लर्निंग का, तक्षशिला और पता नहीं क्या क्या, वहां से बेसिकली चीजें सही हुई थी, शुरू हुई थी हमारे एंशियंट, अगर इंडिया की सबसे बड़ी सभ्यता आज वही सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठा हुआ है।
तो ये चीजों को कहीं ना कहीं देखनी होगी। और अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो जितना वो मानेंगे भी नहीं, और आज जो भी चीज पास्ट में जितनी भी गलतियां की है उसकी कीमत लोग आ चुका रहे हैं। बांग्लादेश ने जो गलती की, मतलब ईस्ट पाकिस्तान ने जो गलती की, जो पूरे बंगाल एरिया ने जो गलती की, 1971 में उन्होंने उसका क्या कहते हैं कि वो कर्ज चुकाया। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि आप जैसा करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। इसीलिए दोस्तों अपने कर्मों को, अपने एक्शंस को, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है नोआखोली रियॉट्स पे ये पूरा लेक्चर था। ये दंगे हुए थे, बहुत ही खतरनाक दंगे हुए थे, उसके बाद ये और ज्यादा फैले, पूरे बिहार एरिया में फैल गए थे, पटना, मंगर, ये सब एरिया इसकी चपेट में आ गए थे, और भयंकर तरीके से परसिक्यूशन मुस्लिमों का भी हिंदुओं का भी स्टार्ट हो गया था। और ये पूरा आजादी बंटवारे तक चला था, 1947 बंटवारे तक, पार्टीशन तक, 47-48 तक पूरा चला था। उस पर मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, देख लीजिएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत ही जल्द आपको गेस करना है मेरा अगला लेक्चर किस पे होगा। भारत के एक जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने वाले, उन पे मैं अगला लेक्चर लूंगा, बताइए कौन। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। यूपीएससी ऑप्शनल कोर्स हमने बनाए हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं और आप आराम से अपनी जॉब निकालिए। और हाँ, एक चीज और, कोई भी ऐसा कमेंट मत कीजिएगा जिससे किसी को भी दुख हो, ठीक है। ऑलवेज सपोर्ट करिए, पढ़ाइए, अच्छी चीजें ग्रहण करिए, कुछ नहीं है, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, बहुत जल्द हाजिर होऊंगा, थैंक यू सो मच।